जिंदगी में कभी भी स्पोर्ट्स कार परचेस मत करना, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये स्पोर्ट्स कार देखो ऑफ रोडिंग कर रही भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम है अली और आज की वीडियो के अंदर स्पोर्ट्स कार के बारे में ही बात करने वाला हूँ। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। जब भी आप एक स्पोर्ट्स कार परचेस करते हो तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर से आपको पता रहना चाहिए। स्पोर्ट्स कार क्या भला है और स्पोर्ट्स कार के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करूंगा, तो वीडियो के अंदर बने रहना भाई। भाई ये रही मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार, जो कि स्पोर्ट्स कार को बोला जाता है, रेसिंग कार के लिए भी इसको यूज करा जाता है। और स्पोर्ट्स कार के जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा ऑसम रहते हैं और बहुत ही डैशिंग दिखती है कार सी स्पोर्ट्स कार। लेकिन आरसी स्पोर्ट्स कार जब भी बाय करते हो तो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर वन जो प्रॉब्लम होता है, जब भी अपन इसके साथ ऑफ रोडिंग करेंगे तो इसके अंदर जो रेतीली मट्टी है वो अंदर जाके मोटरों को खराब कर सकते हैं, मोटर्स भी डैमेज हो सकते हैं। अभी दूसरा प्रॉब्लम रहता है, इसका स्टीयरिंग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जब भी आप ऑफ रोड करते हो या कहीं भी रफ जगह चलाते हो अपनी स्पोर्ट्स कार बहुत जल्दी खराब हो जाती है। थर्ड प्रॉब्लम रहता है, स्पोर्ट्स कार का जो रेंज है बहुत ज्यादा कम रहता है। कितनी भी महंगी कार लो आप करीबन 1-2 मीटर के बाद बंद हो जाती है। फोर्थवा प्रॉब्लम रहता है मोटर की बैटरी। अब बैटरी ये स्पोर्ट्स कार बहुत ज्यादा चूस लेती है। कैसा चूसती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी इसके अंदर आप हाई प्रोफाइल बैटरी डालते हो तो मोटर्स क्या करते हैं भाई, ज्यादा पावर खींच लेते हैं, तो स्पोर्ट्स कार के अंदर इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं और ये मट्टी के अंदर उतना ज्यादा नहीं चल सकती है। ऑफ रोड की जो कार्स रहती है वो बहुत जल्दी चल जाते हैं, आराम से भी वो कैपेबल रहते हैं ऑफ रोडिंग के लिए भाई। लेकिन एक स्पोर्ट्स कार बहुत जल्दी खराब हो जाती है और बहुत जल्दी चलती भी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार के अंदर उतना दम नहीं रहता है। ये जो हैंडमेड स्पोर्ट्स कार है ना, रेतीली मट्टी के अंदर भी चल सकती है या ऑफ रोड के अंदर भी चल सकती है। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और पूरी तरीके से हैंडमेड प्रोडक्ट है दोस्तों। बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर मैं इसको बनाया। यहाँ पर देखो पूरी तरीके से हैंडमेड ये स्पोर्ट्स कार है जो कि आरसी पे वर्क करती है। मैं आपको चलाकर भी बताऊंगा ऑफ रोड के अंदर भाई। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्पोर्ट्स कार का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुएगा नहीं हुएगा वो गारंटी अपन दे नहीं सकते। अगर आपको सॉल्व करना है तो मट्टी के अंदर आपको स्पोर्ट्स कार उतना ज्यादा नहीं चलाना है, या ऑफ रोडिंग भी करते हो तो स्पोर्ट्स कार को ज्यादा ऑफ रोडिंग में नहीं लेके जाना है, इससे स्पोर्ट्स कार के मोटर ना डैमेज हो सकते हैं। स्पोर्ट्स कार के अंदर बहुत जल्दी धूल मट्टी चल जाती है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो स्पोर्ट्स कार हमेशा टिकती नहीं है भारी भड़कम रोडों के ऊपर भाई। लेकिन मैं आपको चला के बताऊंगा ये स्पोर्ट्स कार ना ऑफ रोडिंग में बहुत ही आराम से चल रही है, क्योंकि जो इसके व्हील्स है ना, महंगे व्हील्स डाला है इसके अंदर, करीबन 100 रुपए का एक व्हील है, तो काफी महंगा व्हील इसके अंदर मैं डाला ऑफ रोडिंग के वास्ते भाई। ऑफ रोडिंग करा के देखेंगे आज की वीडियो के अंदर ये स्पोर्ट्स कार ऑफ रोड में कैसा चलती है भाई। फिर आप मार्केट से एक स्पोर्ट्स कार खरीद के लेके आओ 2-3 हजार की अंदर ही खराब हो जाएंगी, क्योंकि उसको आप ऑफ रोड के अंदर चला रहे हो और मुश्किल से मुश्किल टेरेंस के अंदर चला रहे हो, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली खराब हो जाएंगी वो स्पोर्ट्स कार। ये वाली स्पोर्ट्स कार कभी खराब नहीं होती है, मैं ऑफ रोड भी करके बताऊंगा। इसके साथ में बहुत ही आराम से ये रिलायबल में चल जाती है। ओके भाई, अपनी स्पोर्ट्स कार को मैंने यहाँ पे ऑन कर चुका हूँ। ये पूरी तरीके से हैंडमेड है। यहाँ पर देखना कितना ज्यादा मुश्किल टेरेंस है, मुश्किल टेरेंस को भी ये पार कर कर जा रही है। इसका मतलब इसके पास ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया और देसी प्रोडक्ट है भाई। यहाँ पर देखना टर्न, देखो भाई टर्न कितना प्यारा तरीके से हो रही है। 3,500 की कार दिख रही भाई चली तो। ओ, 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 ओ भाई साहब क्या चल रही है यार, ये तो फाड़ दे रही है भाई ऑफ रोड में। यहाँ पर देखना, ओ भाई मट्टी उड़ा रही है। ओ भाई साहब यहाँ पर देखना है रेंज की कमी हो रही है, लेकिन ऑफ रोड में कौन सी भी स्पोर्ट्स कार नहीं चलती है। वू! ये देखो भाई साहब यहाँ पर देखना यार ही अटक जा रही है, कोई बात नहीं। ओ भाई साहब पूरी मट्टी में अटक चुकी है। अभी देखिए दोस्तों अपनी स्पोर्ट्स कार कितने आराम से चल रही थी ऑफ रोड के अंदर। आप लोगों की स्पोर्ट्स कार 1-2 मिनट के अंदर फ्लॉप हो जाती है, क्यों होती है मैं आपको समझाता हूँ। जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना मार्केट में जो मिलती, देखो स्पोर्ट्स कार उनका ग्राउंड क्लियरेंस हमको नहीं रहता है, उनके अंदर कुछ भी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं रहता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स कार के अंदर बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, इस कारण ये ऑफ रोड में बहुत जल्दी सर्वाइव कर रही है और बहुत जल्दी आराम से चल रही भी है। अगर आप मार्केट से एक स्पोर्ट्स कार खरीदते हो और ऑफ रोडिंग में लेकर अगर उसको चलाते हो तो आपकी स्पोर्ट्स कार का जो गियर बॉक्स वो डेफिनेटली खराब हो जाता है, वो वापस रिपेयर नहीं होता है। फिर क्या करना चाहिए भाई, मेरे को ऑफ रोड का मजा भी लेना है, ऑफ रोड में लेके जाके चलाना भी है, धूल मट्टी में चलाना है, तो एक बेस्ट ऑफ रोड रॉक रोलर ले लो। रॉक रोलर लेके उसको ऑफ रोडिंग में चला सकते हो, ऑफ रोडिंग में कुदा भी सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली ऑफ रोड के लिए ही बनी हुई है, रॉक रोलर 4x4। लेकिन स्पोर्ट्स कार बेसिकली रेसिंग रैली के लिए बनाई, यानी कि अपन रेसिंग कराने के वास्ते बनाए, कॉम्पिटिशन कराने के वास्ते बनाए स्पोर्ट्स कार को भाई। जो रोड पे स्मूथ रोड होना, अपनी स्पोर्ट्स कार को चलाना
बोले तो एकदम मक्खन के जैसा स्पोर्ट्स कार कब चलती है बोले तो जो स्मूथ रोड रहता ना भाई उसके ऊपर मस्त रापची की भागती है। लेकिन ओरिजिनलिटी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी और ऑफ रोडिंग के लिए उतना कैपेबल भी नहीं है। मोटर इसके अंदर में फिट करा वो बहुत भारी भड़का मोटर है, इस कारण ये ऑफ रोडिंग में बहुत ही स्मूथ चले जाती है और ऑफ रोडिंग के अंदर जीत भी जाती है। अगर आप ये स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप आराम से जाके मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर देख सकते हो, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा स्पोर्ट्स कार को मैं कैसा बनाया बोल के। आप देखो स्पोर्ट्स कार तो बनाना आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन स्पोर्ट्स कार सही में ऑफ रोडिंग कर पाती है या नहीं कर पाती है मैं आपको बताता हूँ। नहीं कर पाती है स्पोर्ट्स कार, ऑफ रोडिंग नहीं कर पाती है। कुछ कुछ कार कर पाती है क्योंकि उनके पास होता है ग्राउंड क्लियरेंस ना के बराबर जो मार्केट की रहती है। लेकिन हैंडमेड स्पोर्ट्स कार के अंदर क्या है बोले तो बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा रहता है। ये पूरी बॉडी को मैं 3D प्रिंटेड कराया है, इस कारण जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छा खासा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये आराम से चल रही है। पूरी जितनी भी कार दिख रही है 3D प्रिंट से मैं इसको कराया तो भाई आराम से ये चल रही है। भाई मैं भी सोचा नहीं था, इसके अंदर जितने भी मैकेनिज्म मैं फिट करा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। तो कॉस्टली लेना बात नहीं है, स्पोर्ट्स कार ऑफ रोड में भी दहलका मचाना चाहिए, ऑफ रोड में भी चलना चाहिए बेसिकली। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत गाइस। अगर आपको इसकी मेकिंग वीडियो चाहिए तो एंड स्क्रीन में जाके क्लिक करके वॉच कर लेना भाई। बाय बाय।